डकेली अरे डकेली मोय को टेर रहा है। अरे ये तो संगीता और चमेली है। आजा रे आजा। कायरी के दिना होए गए आए तो। अरे पहले आए के बैठ तो जाओ तब बतिया है। हाँ बोलो ले आए गए हम लोग। मोय तो आए आज हो गए 5 दिना। तो कितना से मिलने का नहीं आए तू? मेरे सास की तुम्हें आ जाती तो आज आए तो गए ना। जे बताओ जीजा ने छुट्टी के दिन के दे रही है। रक्षाबंधन वाले दिन आए गए वे। हमें तो लगा थे ज्यादा ही चाहते तुम्हें। ऐसो कछु कदुआ चाहते वे हमें। ए डकेली हमारी बात सुनो। जब अवे जीजा आ जाए तो हमें मिलवा दी। हमें तो सारी है सारी आधी घरवाली होते आधो अब तो हमारे भी है। ए मोरी सास की फटे वोटन वारी तोते तो हम कतई ना मिलन दे। तुम्हारो का भरोसा कहू हमारे पति को भगाए ना ले जाओ। वैसे ईमानदारी से जे बताइयो तुम्हें याद तो आता ही होगा जीजा की। मोय ना आत याद याद हम तो आराम से सोते हैं भाभी खाना बना देती हैं अच्छे से खाते हैं। अच्छा जे बताओ संगीता तुम्हारी सास कैसी है अब? हमने तो सुनी थी उनके पांव टूट गए तो। अब तो बे एकदम ठीक है। बस चले तो इन्हें पकड़ ले। हम भारी चालाक हैं। मोड़ी उन्हें देख के स्कूल चले जाते हैं आराम से। दिन भर वे मोड़ी को संभालती हैं और हम आराम से नौकरी करते हैं। जे बताओ संगीता नौकरी के लड़कों को खवाई हो तुम? ना ब्याह के खवाए ना नौकरी के खवाए ना मोड़ी के खवाए ना मोड़ा के खवाए काऊ के तो लड़ुआ खवाए दे। अरे लड़ुआ के का कहती हो तुम? अरे तुम कहो तो घेवर ही खवाए दे। जे सही रहे घेवर ही ठीक है तो आरो चल रहा हो। जे बताओ संगीता तुम्हारी खसम कहाँ है आजकल? बे तो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे ही है। वहाँ पे क्या कर रहे हैं का लड़ाई कर रहे हैं का? अरे ना भैया एक प्राइवेट कंपनी है बा में बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। कारी चमलिया तू कैसी चुप बैठी है? तेरी सास कहाँ है आजकल? मेरी सास तो देवर के संग ही है। रक्षाबंधन पे सब इकट्ठे हुए हैं ताजो हम भजे आए। इतने लोगों को खाना को बनाया था। सही कहती हो तुम। बुआ ओ बुआ मेरे कुरकुरे कहाँ है और मेरा घेवर कहाँ है? अरे झोला में धरो है ब्याह के भीतर मम्मी से ही ले ली हो रहे। हाँ हाँ बुआ हाँ हम जा रहे हैं। जी हमारे भतीजे और भतीजी हैं जे इतने शैतान है सिर्फ दिन खाए पीवे को ही चाहिए ने। बच्चा है बच्चन को तो जे ही चाहिए। हेलो हाँ अबे हमने बाहर बैठे हैं एक देर बाद बात करी है तुमसे। देख ले क्या के आदमी कोई फोन हो ये हाँ हमसे कह रही जी आखिर सताते कि नहीं। संगीता ऐसी देती रात है। अच्छा मैं नो कह रही थी सुन रहे हो बुरा खाए जाओ। अच्छा अबे हम बैठे हैं डकेली हैं और चमेली हैं नहीं अपने घरे नहीं है बट डकेली घरे आए हैं मिलवे को। हाँ फोन पे ठीक है बाय। अहे बहुत याद आ रही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है अब हम लोग चल रहे हैं हाँ फिर आएंगे। अरे चमलिया चल घर है। हाँ ठीक है डकेली बहन अब हम लोग चल रहे हैं फिर आएंगे। आओ ठीक है बाय आत रही हो बीच बीच में। हाँ फिर करेंगे बात फोन पे। लो चली गई अब हम फोन कर ले रहे हैं अपन चिंटुगा को। क्या कर रहा हो ये चिंटुगा? हेलो याद आई गई इतने दिनों में? ए फालतू की बातें तो करियो मती। हाँ हमने तो जाके मारे फोन करो है कि मोड़ी मोड़ा का कर रहे हैं कैसे हैं तुम उन्हें खाना खवा तो हो कि नहीं खवा तो हो ये जानवे के लिए करो है तुम्हारे मारे थोड़ी करो है। हाँ ठीक है और पता है कहाँ भाव कर ले? अरे कहाँ होएगा? अरे कहाँ बताए अपने चिंटुआ को कल स्कूल में एक मास्टर ने बहुत मारो है मार मार के भूत बनाए दो गधा बनाए दो मार मार के। अरे राम तुमने कुछ नहीं करवा को? अरे हम कैसे छोड़े जा रहे थे कल हम गए स्कूल में अब मास्टर की ऐसी क्लास लगाई है जिंदगी भर याद रखेगा वो फिर। हाँ और वो जानती हो तुम जिलमिलिया को? हाँ जानते वो बबीता की मोड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इधर सुनो पहले हमारी बात अब बबीता के ढिंगों मत जाइयो। हाँ हम बता दे रहे हैं तुम्हें नहीं तो क्या लाट टपकन लगे हाल सिवड़ सिवड़ सी। अरे नहीं भगवान हम गए थे और बबीताऊ की मोड़ी को मास्टर ने मारो तो बेऊ आई थी
तो हम दोनों ने शिकायत करी मास्टर से। फिर प्रिंसिपल साहब ने माफ़ी मांगी व मास्टर से माफ़ी मंगवाई। हाँ, तब हम लोग लौट के आए। चलो ठीक है, अब ठीक है सब? हाँ अब ठीक है। ठीक है, फोन दौड़ते हैं। तो दोस्तों, आज आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होए तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो भैया। नेक हम नए हैं, नेक सपोर्ट कर दियो माँ।